गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू वजीर शाह व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार सब घर पे ठीक होंगे। ये मेरा सेकंड व्लॉग है दोस्तों। आज मेरे सेकंड व्लॉग में हम सुबह अभी उठे हैं। उठने के बाद नहा धो के पूजा पाठ करके, मैं दोनों टाइम पूजा पाठ करता हूँ, पूजा पाठ करने के बाद जाएंगे शेविंग और कटिंग करवाने के लिए। आप देख सकते हो कटिंग भी और शेविंग भी करवा के आएंगे। तो कमेंट में ये बताएं किस किस के मौसम बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ पर तो मौसम बिल्कुल ही ख़राब है। कल रात शाम का जो मैंने व्लॉग डाला था, मेरा फर्स्ट व्लॉग, उसमें दिखाया था मौसम बिल्कुल ही ख़राब था। तो अभी तक मतलब कि वैसा ही मौसम है। बारिश एक बार हो चुकी है, कम से कम 2-2.5 घंटे रेगुलर बारिश हुई थी। उसके बाद भी फिर भी मौसम ऐसा ही है। मौसम में कोई भी मतलब कि परिवर्तन नहीं है। तेज़ हवा चल रही है, बारिश ये नहीं पता अभी स्टार्ट हो जाए या थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगी, इस बात का तो कुछ भी नहीं पता। तो आगे की वीडियो हम बनाएंगे, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बाद डालते हैं नेक्स्ट वीडियो। गाइज आप देख सकते हैं मैं कटिंग और शेविंग करवा के आ चुका हूँ, और देख सकते हैं आप, और मैंने आके अभी ज्योत बत्ती वगैरह भी कर ली है। अभी टाइम हो चुका है 11:30 हो चुके हैं, और अभी खाना खाने का टाइम है। खाना बन रहा है बिल्कुल गर्मा गर्म। अब थोड़ी देर बाद हम खाना खाएंगे। तो भाई देख सकते हैं मैंने अभी ज्योत बत्ती वगैरह कर ली है। ये हमारे पितरों का स्थान है, और इसमें हमने मैनी प्लांट लगाई हुई है, और इसके अंदर हमारी एक छोटी सी तुलसा और ये एलवीरा का पेड़ है। बाकी प्लांट्स जो कि हमारे बाहर रखे हुए हैं वो भी कभी हम आपको ब्लॉक के अंदर दिखाएंगे। और जो हमारे ज्योत बत्ती करने का स्थान है वो कमरे के अंदर है, वो भी क्लिप मैं बना के ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा। तो गाइस आ जाओ, खाना तैयार हो चुका है, एकदम गर्मा गर्म खाना देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म खाना है। अभी अभी मम्मी रोटियां बना रही हैं और मेरे को दी हैं डाल के मम्मी ने, तो एकदम गर्मा गर्म खाना है। जिस भी किसी भाई को खाना है जल्दी पहुंच जाए गाँव अकेड़ी मदनपुर में। तो गाइस अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, और अभी हो गया है नाश्ते का टाइम। तो मेरी मम्मी ने मेरे को दूध दे दिया है, मैं चाय नहीं पीता, दिखाता हूँ। मम्मी ने अभी अभी ठंडा दूध दिया है मेरे को, मैं गर्म दूध नहीं पीता। तो दोस्तों बेसिकली मैं दिन में 3 टाइम दूध पीता हूँ, सुबह और अभी शाम को, और फिर रात को सोते टाइम एक बार फिर, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ और अभी अभी मैं घर पे आया हुआ था। बेसिकली मैं दिल्ली ही रहता हूँ, जॉब की तैयारी करता हूँ, और मैं पढ़ाई हिसार से कर रहा हूँ। तो अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ आया था। तो आपको मैंने बोला था कि मैं आपको हमारे जो घर में मंदिर की क्लिप है उसके शॉर्टली एक वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा। तो वो वीडियो मैं अभी आपको बना के और ब्लॉग के अंदर सेंड कर दूँगा। तो गाइस ये गाइस हमारा छोटा सा पूजा घर आप देख सकते हैं। अभी शाम के 6:30 का टाइम हुआ है, और 7-7:30 के आसपास हम पूजा करते हैं। अभी मैं दूध पी के थोड़ा घूम फिर के फिर नहा धो के फिर पूजा पाठ करते हैं शाम की।
और गाइस देख सकते हो खाटू वाले श्याम, बाबा साला सर वाले बालाजी और बाबा बजरंगबली और गुरु मुरारी लाल जी। गाइस मम्मी अभी गई है मेरे को दूध दे के, घूमने के लिए चली गई है मम्मी, और मैं अभी दूध पी के थोड़ा बहुत कहीं बाहर घूमने जाऊंगा, और उसके बाद आने के बाद नहा धो के फिर पूजा करते हैं, और फिर मम्मी आके खाना बनाएंगी, और फिर खाना खा के फिर सोने का टाइम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी हैं अगले महीने, तो एग्ज़ाम की वजह से मैं दिल्ली से घर पे ही आ गया था, क्योंकि वहाँ रहता तो पढ़ाई की अच्छी तैयारी नहीं हो रही थी, तो मैं घर पे ही आ गया, तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ आके, और अगले महीने ही मेरे एग्ज़ाम हैं हिसार में, ओम स्टील ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो चुका है, और मैंने बी फार्मा में एडमिशन ले रखा था, तो उसके मेरे एग्ज़ाम हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9, देखते हैं हम आपको दिखाते हैं टाइम, 9:08 हो चुके हैं, देख सकते हैं अगर आप टाइम दिख रहा हो तो अच्छे से, क्योंकि फ़ोन की फ्लैश लाइट से टाइम अच्छे से नहीं दिख रहा, तो अभी रात के 9:08 हो चुके हैं, और हम सभी ने घर पे खाना वगैरह खा चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मम्मी इवनिंग वॉक के लिए गई हुई थी, मम्मी ने आके इवनिंग वॉक से मतलब कि खाना वगैरह बनाया था, और उसके बाद ही हम सभी ने खाना खा लिया था। मैंने बताया था कि शाम को 7:30 के आसपास हम पूजा वगैरह करते हैं, जो कि घर में सभी करते हैं ज्योति वगैरह, तो हम सभी मैं मतलब कि घर में और तो कोई है ही नहीं, मैं और मम्मी हैं और छोटे वाले भाई जो हैं दो दिल्ली रहते हैं, क्योंकि हम दोनों भाई दिल्ली रहते हैं, और मैं अभी वहाँ से छुट्टी लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हैं अगले महीने, तो इसीलिए मैं आया हुआ हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो पहले मैं नहाया धोया और फिर मैंने पूजा वगैरह की, पूजा वगैरह करने के बाद मैंने अभी खाना खाया है, और मम्मी अभी फिर घूमने गई है खाना खाने के बाद, और यहीं एक पड़ोस में गांव में किसी के घर पे लड़का हो रखा है, तो वहां पे गीत वगैरह का प्रोग्राम है, तो मम्मी वहां गई हुई हैं गीतों के लिए, तो हम घर में बस अभी तो फ़िलहाल दो ही मेंबर हैं, क्योंकि पापा जी की पिछले साल एक्सपायर हो गई थी वो 23 अगस्त में। तो गाइस तो करते हैं हम वो लोग कहीं ही पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो में कोई भी कहीं भी गलत वर्ड या और कुछ भी आपको सुनने को मिला है तो आप कमेंट में मुझको अवश्य बताएं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको ये है, और मेरी जो फर्स्ट ब्लॉग मैंने डाला था उस पर बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मेरे फर्स्ट ही ब्लॉग के अंदर 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, अभी ही मैंने स्टार्टअप किया है अपना चैनल, एक दो ही दिन हुए हैं, एक ही व्लॉग डाला है, ये मेरा सेकंड व्लॉग है, और एक वीडियो मैंने अभी अभी और अपलोड की है, और एक मैं अभी एडिटिंग करके ये और डालने वाला हूँ, तो आप जल्दी जाएं मेरी उस वीडियो को भी देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।